बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। एफपीएससी की जानब से लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुकी है जी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी या डिफरेंट पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। ऑल ओवर द पाकिस्तान के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपने लाजमी अप्लाई करना। तो ये मैंने एडवर्टाइजमेंट ओपन की हुई है। फर्दर मैं आखिर पर आप लोगों को अप्लाई का तरीका कर भी बता दूंगा, जो कैंडिडेट्स भी जहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनके डिफरेंट जॉब्स हैं एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन मैं सबसे पहले जिसकी वजह से आज ये वीडियो बना रहा हूँ, पोस्ट का नाम है जी लेक्चरर। फीमेल मीन के ये सिर्फ इसमें कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मेल इसमें आप सभी को पता ना, इससे पहले लेक्चरर्स की जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है उसमें सिर्फ मेल की मीन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इसमें सिर्फ इन्होंने ना फीमेल मेंशन किया हुआ। बीपीएस 17 आपको दिया जाएगा। परमानेंट फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपको जो मीन की कैन करियर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आ जाता है ना, तो उसमें आपको भर्ती किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन आप लोगों की सेकंड क्लास ग्रेड सी मीन के मास्टर डिग्री या इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इधर नीचे उन्होंने ना सब्जेक्ट भी मेंशन किए हुए हैं कि कितनी कितनी तादाद में कौन से लेक्चरर किस सब्जेक्ट में आनी है, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर देता हूँ। अरेबिक लेक्चरर 2 रिक्वायर्ड है जी, बायोलॉजी के 2 है जी, बॉटनी के 2 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 1, केमिस्ट्री 6, कॉमर्स 1, इकोनॉमिक्स 11, इंग्लिश 15, फर्दर फाइन एंड आर्ट्स की 1, हिस्ट्री के 2, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 11, इस्लामिक स्टडी 3, फर्दर मैथमेटिक्स की 11, पाक स्टडी 2, पर्शियन 2, फिजिक्स 10, पॉलिटिकल साइंस 3, साइकोलॉजी 2, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1, सोशियोलॉजी 2, स्टैटिस्टिक्स 3, फर्दर उर्दू 4 और जूलॉजी 2, ठीक है। ये जितने भी सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू नंबरिंग, तो ये तमाम मीन के इन्हीं सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने भी स्पेशलाइज मास्टर में किया हुआ है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात कर लेते हैं, 22-28 ईयर्स के राउंड अबाउट आपकी एज रिक्वायर्ड है, लेकिन इसमें 5 साल आपको रिलैक्सेशन भी दी गई है। मीन के 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अबव नहीं होनी चाहिए, बिलो होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्टें भी आप ये नोट कर ले, 101 पोस्टों की अनाउंसमेंट भी है। बाकी ये कोटा वाइज आप चेक भी कर सकते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको कहा है कि डोमिसाइल मीन के मेरिट पर 8 है जी, पंजाब में 50 ऊपर मेरिट पर, फर्दर मिनोरिटी नॉन मुस्लिम का कोटा आप चेक कर सकते हैं। सिंध रूरल 8 बनती हैं, फर्दर के पी के आ जाता है 12, फर्दर ये बलोचिस्तान भी आप ये रीड कर लें 6, एक्स फाटा 3, ए जी की 2, ठीक है। तो ये आप कोटा वाइज भी इनको रीड कर सकते हैं। मैं आखिर पर आपको एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी बता दूंगा कि आप इसको कैसे डाउनलोड करके रीड भी खुद कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्ट भी मेंशन की हुई है कि आपकी ऑल ओवर द पाकिस्तान में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। ये नीचे उन्होंने नोट भी कुछ मेंशन किया हुआ है, मीन कि अगर आप सेपरेट से एक पोस्ट दो पोस्टों पर अप्लाई करना चाहते हैं एक से ज़्यादा, तो आपको सेपरेट से फॉर्म एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा और सेपरेट से आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो अब हम स्टार्ट से जो जॉब्स की अनाउंसमेंट है वो मैं आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वही शेयर कर देता हूँ, क्योंकि इनमें पोस्टों की तादाद कम है। तो अगर आपने मीन कि अगर आप फुलफिल करते हैं इनका क्राइटेरिया, तो आपने इनमें भी अप्लाई कर लेना है, ठीक हो गया। तो पोस्ट का नाम है जी सीनियर एलिमेंट्री टीचर, तो ये फीमेल ही इसमें सिर्फ रिक्वायर्ड है, बीपीएस 16 आपको दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ पोस्टें हैं जी 2, ठीक है। तो आपकी अगर तलीम की बात कर लेते हैं, तो सेकंड क्लास या ग्रेड सी मास्टर डिग्री आपकी मेंशन की हुई है। अगर आपने बीएस मीन के 4 ईयर्स भी किया हुआ है ना, किस में, फाइन एंड आर्ट्स में, पेंटिंग में, आर्ट एंड डिज़ाइन, आर्ट एंड क्राफ्ट विद सेकंड क्लास या ग्रेड सी, एमएड, बीएड, बीएड ऑनर, एसोसिएट डिप्लोमा इन एजुकेशन में किया हुआ है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर आ जाता है जनरल स्टाफ ऑफिसर, ग्रेड 1 के तौर पर आपको भर्ती किया जाएगा, बीपीएस 19 आपको दिया जाएगा। फर्दर ये आप नंबर ऑफ वैकेंसीज भी नोट कर लें, 3 है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर फीमेल बीपीएस 18 आपको दिया जाएगा, इसमें भी ये आप सब्जेक्ट भी मैंशन कर लें, इनके इसको नोट कर लें। नंबर ऑफ वैकेंसीज की तादाद है जी 3, ठीक हो गया। नेक्स्ट दो जो मीन के वैकेंसीज का नाम है जी, वो है सेकेंडरी स्कूल टीचर मीन के एसएसटी, इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएस 17 आपको दिया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ये आप नोट कर लें, 2 है जी। फर्दर ये इन्होंने तलीम भी मेंशन की हुई है कि अगर आपकी सेकंड क्लास या ग्रेड सी मास्टर डिग्री है, किसमें, बीएड में या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है ना, तो आप एलिजिबल हैं। फर्दर 22-30 साल एंड नेक्स्ट 5 साल आपको रिलैक्सेशन भी दी गई है। और नेक्स्ट जॉब है जी, वो है सेकंड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, सिस्टम इंजीनियर के तौर पर आपको भर्ती किया जाएगा। बीपीएस 18 आपको दिया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज है जी इसमें 1, ठीक है। ये प्रोफेशनल मीन के एजुकेशन से रिलेटेड है। जूनियर सिविलियन लेबर ऑफिसर बीपीएस 16 आपको दिया जाएगा। फर्दर पोस्टों की तादाद है जी 1, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है जनरल स्टाफ ऑफिसर, इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज की तादाद है 1। सोशल मोबिलाइजर बीपीएस 18 आपको दिया जाएगा। वैकेंसीज की तादाद है जी 8। तो जो जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है आपने लाजमी अप्लाई करना है। डिप्टी चीफ बीपीएस 19 आपको दिया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज की तादाद है जी 5। तो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, अगर आपने पीएचडी इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में किया हुआ है ना, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक होगा। 8 साल इसमें क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मैंशन किया हुआ है, तो अगर तो आप एलिजिबल हैं तो लाजमी अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट चीफ की आ जाती है जी बीपीएस 20 आपको दिया जाएगा। ये इन्होंने मैंशन भी किया हुआ है कि परमानेंट एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च
के अंडर आता है तो उसमें आपको भर्ती किया जाएगा। पीएचडी इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में अगर आपकी एजुकेशन है ना तो आप एलिजिबल है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो इसमें भी एक है। नेक्स्ट डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर बीपीएस 18 आपको दिया जाएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें भी एक है। प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल हेड मास्टर बीपीएस 19 आपको दिया जाएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो इसमें भी एक है। मास्टर डिग्री आपकी बीन के अगर आपने बीएड ऑनर बीएड एमएड किया हुआ है ना तो आप एलिजिबल हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडिकल ऑफिसर बीपीएस 17 आपको दिया जाएगा, टोटल पोस्टों की जो तादाद है जी कितनी है एक। नेक्स्ट है जी रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट बीपीएस 18 आपको दिया जाएगा, टोटल पोस्टों की तादाद है जी एक। तो जिनमें तो पोस्टें कम है तो उनमें आप मीन के सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा क्योंकि इनमें एक्सपीरियंस भी मैंशन किया हुआ है। तो नेक्स्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉमर्स, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बीपीएस 18 आपको दिया जाएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इसमें एक है। स्टैटिस्टिशियन बीपीएस 18 आपको दिया जाएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज की तादाद भी आप ये नोट कर लें एक है। तो जिनमें एक है मैं अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, आपने सोच समझ के ही अप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टाफ नर्स की आ जाती है बीपीएस 16, फर्दर आईटी सुपरवाइजर आ जाता है ग्रेड 16। नेक्स्ट ऑप्थालोमोलॉजिस्ट असिस्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट भी जिसे कहते हैं बीपीएस 16 आपको दिया जाएगा, टोटल पोस्ट भी आप ये नोट कर लें एक है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 16 आपको दिया जाएगा जी, फर्दर बायोमेडिकल इंजीनियर आ जाता है। नेक्स्ट न्यूट्रिशनिस्ट की आ जाती है ग्रेड 16, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इसमें एक है। तो काफी कम है जी, लेकिन जो ज्यादा थी वो लेक्चरर थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सिविल मेडिकल ऑफिसर बीपीएस 16 है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सिविल मेडिकल ऑफिसर डेंटल डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी बीपीएस 17 आपको दिया जाएगा, इसकी पोस्ट भी आपको मिल जाएंगी इस साइड पे। और फर्दर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ग्रेड 17 के तौर पर आपको भर्ती किया जाएगा, इसमें भी पोस्टों की तादाद एक है। अकाउंट ऑफिसर आ जाता है जी। नेक्स्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की पोस्टें आ जाती हैं जी। फर्दर डिप्टी डायरेक्टर मेल कैंडिडेट्स अप्लाई करते कर सकते हैं जी। इसमें सोशल केस वर्कर आ जाता है बीपीएस 17 की पोस्टें हैं। असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इसमें भी ग्रेड 16 आपको दिया जाएगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव प्रूफ रीडर तो बीपीएस 16 इसमें भी आपको मीन के दिया जाएगा। फर्दर फार्माकिस्ट एंड फार्मेसी बीपीएस 17 आपको दिया जाएगा, परमानेंट मीन के आपको फ्रंटियर कॉर्प्स के तौर पर बलोचिस्तान हॉस्पिटल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में आपको भर्ती किया जाएगा। बाकी जूनियर लाइब्रेरियन आ जाता है ग्रेड 16। आखिर पर आ जाती है जी डायरेक्टर जनरल चीफ लाइब्रेरियन तो बीपीएस 20 आपको दिया जाएगा, तो इसमें भी आप ये नंबर ऑफ वैकेंसीज नोट कर लें, इसमें भी वन है। तो जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं इनके इन तमाम पोस्टों पर जिस पोस्ट पर भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने लाजमी अप्लाई करना है। हाँ, जिन पोस्टों की तादाद ज़्यादा है उसमें तो आपने लाजमी अप्लाई करना है। फर्दर ये इन्होंने इनके प्रोसीजर वगैरह कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं फीस के वाले से भी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये तो आपको पता ही होगा, बाकी जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके सामने वहाँ फीस भी मैंशन हो जाएगी। लास्ट डेट भी आप नोट कर लें, जो जो कैंडिडेट्स भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 21 अगस्त 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जी आपने कैसे अप्लाई करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप का क्वेश्चन है। तो आपने एपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, ये देखें जीआर एग्जाम, तो आपने इधर क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो फर्दर ये देखें आपने क्या करना है, ये इंट्रोडक्शन एडवर्टाइजमेंट करंट जो एडवर्टाइजमेंट है आपने इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ये देखें कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट ये मेंशन किया हुआ है, तो अगर तो आप एडवर्टाइजमेंट को रीड करना चाहते हैं तो आपने इधर क्लिक पर क्लिक कर देना, आपके सामने ऐसी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट आप फीस चलान भी आपने मीन के अदा करना है, बैंक में सबमिट करवाना है, तो आपने इधर से सबसे पहले उसको डाउनलोड कर लेना है, फिलअप करना है, और देन आपने नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर आपने उसको सबमिट करवा देना है। फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने कैसे अप्लाई करना है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है चालान को फिलअप करने के बाद। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जी, जब आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे तो देखिए सिलेक्ट जॉब, आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इधर से मीन के वो सिलेक्ट कर लेना है। सीएनआईसी नंबर ऐड कर देना है, डेट ऑफ डिपॉजिट फीस मीन के जिस दिन आपने बैंक में फीस को सबमिट करवाया वो आपने डेट इधर मैंशन कर देनी है। नेक्स्ट फीस डिपॉजिटेड रुपीज़ तो आपने इधर से वो सिलेक्ट कर लेना है जितनी आपने फीस सबमिट करवाई। बैंक नेम आपने इधर ऐड कर देना है, बैंक ब्रांच एंड कोड ये आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं जिसमें आपने फीस सबमिट करवानी है। फर्दर आप वो बैंक से भी पूछ के आ सकते हैं, ठीक है। बैंक लोकेशन आपने इधर मेंशन कर देना है। फर्दर डोमिसाइल आपने इधर मीन के अपना बताना है, जेंडर बता देनी है, रिलीजन आपने बता देना है, टेस्ट सेंटर, ठीक है, इंटरव्यू सेंटर आपने इधर से सेलेक्ट कर लेना है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपने इधर ऐड कर देना है। नेक्स्ट आपने इशुएंस डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, अपनी ट्रांसक्रिप्ट जब आपको मिली थी ना वो आपने इधर डेट इधर मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट आपने ये कैप्चा मीन के ये कोड एज इट इज इधर टाइप करना है। फर्दर आपने प्रोसीड टू स्टेप टू पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैंने तो अप्लाई नहीं करना, तो ये सिंपल सा इनका प्रोसीजर है, ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन को फिलअप कीजिएगा। नेक्स्ट आपसे
एजुकेशन से रिलेटेड मीन के रिक्वायरमेंट होगी तो आपने वो उसको फिलअप कर लेना, जो आपकी लास्ट एजुकेशन बनती है वो आप सिर्फ ऐड कर लीजिएगा। अगर आप सेपरेट से मीन के मैट्रिक से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो आपकी लास्ट बनती है ना, जिस फील्ड में आपने स्पेशलाइज किया हुआ है, तो वो आपने उधर ऐड कर देनी है। ठीक हो गया। तो बाकी ये फीस के वाले से इन्होंने इधर मैंशन किया हुआ है कि ग्रेड मीन के 17 की, 16 की, 14 की कितनी कितनी फीस होंगी, तो वो आप इधर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जो जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल, आपने लाजमी अप्लाई करना है। बाकी फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, आखिर भी यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नजूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।